नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है हमारे साथ कि हमारे बच्चे एलईडी टीवी को छेड़ देते हैं, जिससे हमारी लैंग्वेज या डिस्प्ले कोई गड़बड़ा जाती है। तो देखो दोस्तों, ये आप लैंग्वेज देख रहे हैं, चालू करने पर दोस्तों इस तरीके की लैंग्वेज आती है, आप देख सकते हैं। देखो इस तरह की लैंग्वेज है दोस्तों, मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो ये, देखो टीवी बंद किया, दोबारा से चालू करेंगे अब हम। देखो दोबारा से स्टैंड बाई किया हमने, देखो आगे पर्दा आया। इसके नीचे जो ए बी लिख के आती है दोस्तों, वो तो ठीक आती है, बिल्कुल इंग्लिश में ही आती है, लेकिन बाकी और लैंग्वेज हैं दोस्तों, वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, हमें तो पता नहीं है दोस्तों, हम तो इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसे सही करने के लिए हमें प्रोग्राम पता होना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, डिस्प्ले प्रोग्राम आया है हमारे पास में, जो देख पा रहे हैं आपके कलर के लिए है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये, तीसरा प्रोग्राम ये टाइमर है दोस्तों, इससे आगे जो और भी प्रोग्राम है दोस्तों, ये देखो ये सेटिंग है दोस्तों, ये इस दोस्तों इसी में जाकर हम इसको सही करेंगे दोस्तों। देखो इसके नीचे आते हैं हम दोस्तों, उसके बाद आप भी देख सकते हैं, देखो बीच में जो इंग्लिश लिख के आई है, हम इस इंग्लिश वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं दोस्तों। देखो अब सारे ऑप्शन हमारे ठीक हो गए। देखो जो लैंग्वेज है हमारी, देखो OSD लैंग्वेज लिख के आ रही है, इंग्लिश कर दी हमने। अब ये देखो, ये म्यूजिक वाला है दोस्तों, ये कलर वाला है दोस्तों, ये सेटिंग वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टीवी की लैंग्वेज आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों, कोई किसी बच्चे द्वारा या हम पे ही कोई सेटिंग छिड़ जाती है तो दोस्तों हम घबरा जाते हैं कि हो क्या गया इसमें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं दोस्तों। देखो नो सिंगल लिख के आ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करें, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।